भारत में मंदी का दौर चल रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन सुस्त होती चली जा रही है। सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसके कारण भारत में कई सेक्टर में उत्पादनों को कम कर दिया गया है, या तो कई जगह या पूरी तरह से बंद होने की कगार पर खड़ी है। आर्थिक मोर्चे के हर ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की सेहत ठीक नहीं है। इस बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने देश के राजकोषीय घाटे को लेकर गहरी चिंता जताई है। इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक सुस्ती के लिए जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसलों को दोषी करार दिया है। रघुराम राजन ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किसी एक व्यक्ति द्वारा लिया गया निर्णय घातक है। राजन ने कहा कि अगर नोटबंदी और जीएसटी के फैसले नहीं लिए गए होते तो अर्थव्यवस्था अच्छी प्रदर्शन कर रही होती। बिना किसी सलाह या समीक्षा के नोटबंदी को लागू करने से लोगों को नुकसान हुआ और इसे करने से किसी को भी कुछ हासिल नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में अनुभव व तालमेल की कमी है। एक ही व्यक्ति द्वारा अधिकतर फैसले लिए जाते हैं, जिसका असर आज अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई पड़ रहा है। ब्राउन यूनिवर्सिटी में ओपी जिंदल लेक्चर के दौरान प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने यह टिप्पणी की है कि बढ़ता राजकोषीय घाटा भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बेहद चिंताजनक स्थिति की तरफ धकेल रहा है। उन्होंने कहा, वृद्धि दर काफी कम है और कर्ज का स्तर बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय स्तर पर सुस्ती देखने को मिल रही है। रघुराम राजन ने साल 2016 की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़ों का भी जिक्र किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 2016 में जो जीडीपी 9% के पास थे, अब वह घटकर 5.3% के स्तर पर आ गई है। पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सरकार की आर्थिक नीतियां टिकाऊ नहीं है। सरकार की नीतियां देश को एक बड़े गहरे संकट में धकेल रही है। रघुराम राजन ने कहा कि हमने पहले की समस्याओं का समाधान नहीं किया और न ही विकास के नए स्रोतों का पता लगाने में कामयाब रहे। उन्होंने कहा कि देश में वित्तीय सेक्टर और बिजली सेक्टर को मदद की जरूरत है, लेकिन इसके बावजूद विकास दर को बढ़ाने के लिए नए क्षेत्रों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। रघुराम राजन ने आगे कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था काफी बड़ी हो गई है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा इसको चलाया नहीं जा सकता है। इसके परिणाम घातक होते हैं। नमस्कार, नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों के लिए हमेशा से YouTube एड्स पर निर्भर रहा है। हमारी काफी वीडियोस को YouTube की तरफ से डीमोनेटाइज कर दिया जाता है, जिसके चलते हमें एड्स नहीं मिल पाती। इसकी वजह से हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमें आपके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत अब है। पैट्रियन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर हम और आप बिना रुकावट जुड़ सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आप हमें सीधा फंड कर सकते हैं, जिसका मतलब हुआ कि हम आजादी से पत्रकारिता कर पाएंगे। आपसे सीधे फंडिंग पाने का यह भी मतलब हुआ कि हम नैतिक रूप से आपके अधीन हो जाएंगे और आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। आप पैट्रियन पर मात्र $2 करीब 140 रुपए प्रतिमाह से हमारी सहायता कर सकते हैं। पैट्रियन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों ही सपोर्ट करता है। हाँ, जरूरी है कि पैट्रियन के लिए आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड होने चाहिए। अगर आपके कार्ड पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चालू नहीं है तो आप अपने बैंक से संपर्क करके इसको आसानी से चालू करवा सकते हैं। पैट्रियन पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें, ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।